सुन ले प्रभु तू सुन ले, मेरी सुदुआ को तो सुन ले, चूले मुझे तू चूले, अपने हाथों से छूले, भर दे मुझे तू भर दे, अपनी शांति से भर दे। तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरे बिन ना रह सकूंगा मैं, मुझको ग्रहण कर प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड। इस मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हर एक इंसान को छू लो परमेश्वर, जो सुनने वाले उनको छू लीजिए, उनको भर दीजिए, शांति से भर दीजिए परमेश्वर। आज का वचन को आशीर्वाद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमेन। अभी का वचन है व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 27 वचन। व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 27वां वचन ऐसा कहते हैं, अनादि परमेश्वर तेरा ग्रहण दाम है और नीचे सनातन बुझाए हैं। अनादि परमेश्वर तेरा ग्रहण दाम है, वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्य नाश कर दे। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपके शत्रु को नाश कर दे कर कहते हैं। और वो कौन है परमेश्वर? अनाद परमेश्वर है। अनादि का अर्थ ये है, जब इंसान पैदा नहीं हुआ, स्मृति नहीं था, उसके पहले ही परमेश्वर है। अनादि परमेश्वर यीशु मसीह है। वो कहते हैं अनादि परमेश्वर आप तेरा ग्रह दाम है। आप किसी का चिंता करने का आवश्यक नहीं, अनादि परमेश्वर आपके साथ है। और वो और भी कहते हैं, आपके शत्रु को क्या करते हैं? उनको सत्य नाश कर दे कहते हैं। आपका शत्रु कौन है? परमेश्वर के प्रति एक ही है, वो शैतान है। उसको सत्य नाश करने के लिए किसका ताकत चाहिए? अनादि परमेश्वर का ताकत चाहिए। वो अनादि परमेश्वर है। इधर व्यवस्था में मूसा जब मरने वाला था तो इसराइल के प्रजा के लिए ऐसा कहते हैं, मैं मरने वाला हूं और मैं आपसे याद दिलाता हूं, हमारा जो यीशु मसीह है वो अनादि परमेश्वर है। मैं जा रहा हूं, यीशु रहेगा, यीशु आपको चलाएगा, लेकिन उसके मैं तुमको याद करता हूं। हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह वो अनादि परमेश्वर है, वही तेरे लिए ग्रहण दाम है। दूसरा कोई भी नहीं है, घर है, अपना जायदाद है, बच्चे काम है, नहीं, अनादि परमेश्वर तेरे लिए है। क्योंकि इसराइल को भरोसा दे दे, भरोसा देकर और मूसा जाता है, हे इसराइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा का वही। व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 29 वर्ष में पढ़ता हूँ, ये यहोवा का उद्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कौन है? वह तो तेरे सहायता के लिए ढाल और तेरा प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को सोधेगा करकर कहता है। मूसा कहता, मूसा इसराइल के लिए भरोसा देने वाले वचन कहते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं, अनादि परमेश्वर तेरा साथ है, तेरा शत्रु को तेरा ऊपर बल नहीं पाएगा, तू शत्रु को ऊपर बल पाएगा करकर भरोसा देते हैं। क्यों? आपके साथ मेरे साथ जो जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं उनके साथ कौन है? अनादि परमेश्वर है। और अनादि परमेश्वर और भी वचन देखेंगे, अनादि परमेश्वर कौन सा जमाने में था, है ना, कौन सा टाइम में था, हम देखेंगे। उत्पत्ति का किताब, उत्पत्ति का अर्थ है आरंभ, आरंभ में ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन है? आरंभ में है, स्टार्टिंग, शुरुआत में है। उत्पत्ति का जो बाइबल का जो स्कॉलर ऐसा कहते हैं, उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ ये है आरंभ है, आरंभ। और उत्पत्ति का पहला अध्याय दूसरा वचन हम देखेंगे तो पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलता था। परमेश्वर अनादि परमेश्वर कभी है, पृथ्वी के ऊपर इंसान नहीं था, इस दुनिया बनाया नहीं था, रोशनी बनाए था, तभी परमेश्वर यीशु मसीह है। मैं आपको आज भरोसा देना संदेश कहता हूँ, अनादि परमेश्वर
आरंभ में है परमेश्वर। उत्पत्ति का अर्थ यह है आरंभ। आरंभ का परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है। आप चिंता करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको साथ देंगे, आपका शत्रु को मार देंगे, आपका जो कुछ चाहते पूरा करेंगे। ये हमारा परमेश्वर कौन है? आरंभ का परमेश्वर है। हम और भी देखेंगे ऐसा का किताब 40वां अध्याय में हम देखेंगे तो ये परमेश्वर कैसा है। ऐसा का किताब 40वां अध्याय वर्ष 21-22 में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया है? आरंभ उत्पत्ति में कहा हमारा परमेश्वर आरंभ शुरुआत से है। और इधर भी 21 ऐसा का किताब 40वां अध्याय 21वां वचन में ऐसे लिखा है, आरंभ ही से नहीं बताया गया क्या तुमने पृथ्वी को नींव के पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में विराजमान है। हमारा यीशु मसीह किधर विराजमान है? हमारा जो हम जिधर रहते हैं अर्थ के ऊपर बैठा है। कितना बड़ा परमेश्वर है। आपका समस्या को दूर नहीं करेंगे, आपका बोझ को नहीं हटाएंगे, आपको मदद नहीं देंगे क्या? यीशु मसीह देंगे, क्योंकि बड़ा परमेश्वर है, अनादि परमेश्वर है। मूसा ने कहा इसराइल को, मैं जा रहा हूं तेरे लिए। अनादि परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है, आरंभ का परमेश्वर है, पृथ्वी का ऊपर बैठने वाला परमेश्वर है। ऐसा का किताब 40वां अध्याय में लिखा है, पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आकाश के मंडल में विराजमान है। ये सत्य है परमेश्वर की प्रजा। हमारा परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर विराजमान है, बैठा है, सबको देखते हैं। अभी पेपर में पढ़ा 800 करोड़ प्रजा हो गया। 800 करोड़ प्रजा इस दुनिया में है। उस 800 करोड़ प्रजा को यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर से बैठ के ही देख सकते हैं। ना बड़ा परमेश्वर, आरंभ का परमेश्वर, अनादि परमेश्वर। आपको एक भरोसा है, अनादि परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर, आपको देखते परमेश्वर, आपको ताकत देने वाला परमेश्वर, आपको शत्रु को दूर करने वाला परमेश्वर, अनादि परमेश्वर। और ये परमेश्वर क्या कहते हैं? वही ऐसा का किताब 40वां अध्याय में 28, 29, 30, 31 में इधर परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता, वह श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है। ये अनादि परमेश्वर आपको मेरे को क्या देते हैं? जो उनको भरोसा, उनको विश्वास करते हैं, उनके वचन के अनुसार चलने वालों को परमेश्वर ये कहते हैं, वह थके हुए को बल देता है। आप थक गया क्या कुछ चीज में? किस चीज के आप थक गया? आपके लिए आज परमेश्वर कहते हैं आपको बल देता है। अनादि परमेश्वर आपको बल देते हैं और शक्ति को बहुत सामर्थ्य देता है। आपको शक्ति नहीं है क्या? आपको बहुत सामर्थ्य देता है, बहुत सामर्थ्य देते हैं आज परमेश्वर। आपसे कहते हैं परमेश्वर आपको बल देंगे, आपको सामर्थ्य देंगे। और तरुण तो थकते हैं और समित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा को भाट झोंकते हैं वह नए बल प्रताप करते हैं जाएंगे, वह उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ते वो श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परमेश्वर आपसे कहते हैं आप नहीं थकेंगे, आप बल ही नहीं होंगे। आप क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए बाट जोड़ना चाहिए, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब जब समय मिलता है आराम से बैठ के प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करते समय में अनादि परमेश्वर आपको क्या देंगे? बल देंगे, आपको शक्ति देंगे, आपको सामर्थ्य देंगे। ऐसा का किताब में लेते हैं अनादि परमेश्वर, आरंभ का परमेश्वर। थके वो को क्या चीज में आप थक गया? आज परमेश्वर आपसे कहते हैं आपको सामर्थ्य देंगे, आपको बल देंगे। जवान लोग गिर जाएंगे और उकाब का जैसा आपको बल मिलेगा, जवान ठोकर खाएंगे
थकते और श्रमित हो जाते हैं, तरुण तो थकते श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाएंगे, परंतु यहोवा का जो भाट जोते हैं उसके लिए जो बैठकर प्रार्थना करते हैं वो नहीं थकेंगे। परमेश्वर के प्रजा, आज परमेश्वर को आपको याद दिलाते हैं, आप नहीं थकेंगे, आपको बल कम नहीं होगा, आपका बल यीशु मसीह देगा। वो कौन है? अनाथ ही परमेश्वर है। ये संसार बनाने के पहले ही हमारा यीशु मसीह है। क्या कोई समस्या दूर नहीं करने ऐसा परमेश्वर के हाथ में नहीं है। सब समस्या यीशु मसीह दूर करेंगे, क्योंकि वो अनाथ ही परमेश्वर है। पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए, अर्थ के ऊपर हम जिधर रहते हैं, हम जीवन बिता रहे, उस अर्थ के ऊपर बैठता है यीशु मसीह। आपके शत्रु को दूर करेंगे, उतना ही नहीं शत्रु के पास आपको मेज बिछाएंगे। भजन संहिता 23 अध्याय के अनुसार आज उस परमेश्वर को विश्वास कीजिए। इस संडे में, रविवार के दिन में परमेश्वर आप कौन सा टेंशन में है, आराधना में जाके आए रहेंगे कौन सा टेंशन, लेकिन आज परमेश्वर आपको भरोसा देते हैं। अनादि परमेश्वर आपको बल देते हैं, आपको सामर्थ देते हैं। ये वचन आप पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। व्यवस्था वर्ण 33 अध्याय 27 वचन, उत्पत्ति किताब 1 अध्याय 2 वचन, यशायाह 40 अध्याय 21, 22 और 40 अध्याय 28, 29, 30, 31, ये सब वचन आशीर्वाद भरा हुआ वचन है। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको बल देंगे, सामर्थ देंगे, आपको आप नहीं थकेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अब अनादि परमेश्वर है, कर हम देखा व्यवस्था भर में मूसा कहता है इसराइल के सामने, अनादि परमेश्वर तेरा साथ है, तेरा शत्रु को मार देगा कर कहते हैं। सुनने वाले को शत्रु को मार दीजिए परमेश्वर, अनादि परमेश्वर है करके उनको भरोसा दीजिए। आप इंसान नहीं है, आप अनादि परमेश्वर, बहुत जुना है, आरंभ का परमेश्वर है। उनको भरोसा दीजिए, बोझ हटाइए, बीमारी हटाइए, उधार हटाइए, उनके बच्चे को आशीष कीजिए, काम को आशीष कीजिए, पढ़ाई अच्छा पढ़ने के लिए कृपा कीजिए, काम को आशीष कीजिए, धंधा को आशीष कीजिए परमेश्वर। सुनने वाले को कोई की तकलीफ है यीशु मसीह के नाम से दूर होने दो। आप दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, आशीष कीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन।